हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक देवोत्वाल और आज भी का मेरे चैनल पर स्वागत है भाइयों। हम आपको बताएंगे राजस्थान के मौसम विभाग की बिल्कुल ताज़ा जानकारी। जी हाँ भाई, राजस्थान में चक्रवाती तंत्र ने फिर से मौसम बदल दिया है। 27 सितंबर तक राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बरसात और तेज़ बरसात दर्ज की जा सकती है। तो भाई हम आपको बताएंगे किन किन जिलों में आने वाले 24 घंटे में बरसात हो सकती है, साथ ही किन किन जिलों में पिछले 24 घंटे में बरसात हुई है। तो हम आपको इसकी बिल्कुल ताज़ा जानकारी बताएंगे स्टूडियो में, तो वीडियो अंत तक पूरी देखना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मैं अन्य कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो चलो भाइयों स्टार्ट करते हैं। राज्य में देरी से हुई मानसून की एंट्री के बाद अब मानसून की विदाई भी अगले 3 से 4 दिन तक टल गई है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तंत्र के असर से विंड पैटर्न में हुए बदलाव से दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों में बन रहे कम वायु दाब के क्षेत्र के असर से बादलों की आजवाही भी पूरे राजस्थान में बढ़ रही है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने 27 सितंबर तक पूरे राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। वहीं सर्दी की मौसम की आहट चालू हो गई है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई तो कई जगह बादलों की आजवाही लगातार बनी हुई है। वहीं दिन व रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री की सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा पूरी हवाएं चलने से गर्मी और उमस से भी अब राहत मिलने लगी है। वहीं सर्दी के मौसम की आहट को भी महसूस होने लगा है। तो भाई राजधानी जयपुर में बीती रात तेज़ रफ्तार से पूर्वी हवाएं चली। वहीं आज सुबह से भी शहर में घनघोर घटाएं छाने पर आज शहर में बारिश होने की संभावना है। आज सुबह 6 बजे शहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया है जयपुर का। वहीं बीती रात जिले के कोट खावदा कस्बे में 7 mm बरसात दर्ज की गई है। वहीं बात करते हैं राजस्थान के सबसे बड़े बीसलपुर डैम की, तो भाई बीसलपुर डैम में अगले 1 से 2 दिन तक पानी का बहाव तेज रहने की संभावना है। मानसून राज्य के कई जिलों में बरस रहा है और सहायक नदियों में पानी का बहाव अब भी तेज होने से बीसलपुर डैम अब भी छलक रहा है। डैम के एक गेट से प्रति सेकंड 15,000 क्यूसेक पानी बनास नदी में छोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और आसपास के कई जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक बरसात का दौर जारी रहने की संभावना है। ऐसे में डैम में पानी की आवक और ज़्यादा हो सकती है। वहीं सहायक नदी गंभीरी, खारी डैम और बेड़स नदियों में पानी की फिर से बहाव तेज होने की आशा है, जिससे बीसलपुर डैम में पानी की निकासी बढ़ने की संभावना है। बीसलपुर डैम स्थित कंट्रोल रूम की सूचना के अनुसार आज सुबह त्रिवेणी में बहाव 2.30 मीटर दर्ज किया गया था। वहीं सोमवार से डैम का एक गेट 2.5 मीटर ऊंचाई पर खुला हुआ है, जो प्रति सेकंड 15,000 क्यूसेक पानी की लगातार बनास नदी में निकासी कर रहा है। वहीं आपको बताना चाहते हैं राजस्थान के अलवर जिले में बादलों की आजवाई से आज बरसात दर्ज की गई है तथा यहां पर भी तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है तथा रात को सर्दी का महसूस यहाँ पर भी हो रहा है। तो भाई ये थी मौसम विभाग की सबसे लेटेस्ट जानकारी, जिसके तहत पूरे राजस्थान की मौसम की जानकारी हमने दे दी है तथा जिन भी जिलों का हमने नाम लिया है वहाँ पर अगले 24 घंटे मूसलाधार बरसात दर्ज की जा सकती है, तो आप भी सावधान रहे। तो भाइयों अगर आप भी इसी तरह अपने जिले राज्य के मौसम की ताज़ा जानकारी हमसे पाना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत अपने नाम के साथ अपने जिले या राज्य का नाम तुरंत कमेंट करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे उसमें आपके जिले या राज्य की मौसम की ताज़ा जानकारी आपको दे देंगे, इसलिए कमेंट जरूर करें। तो भाइयों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह ताकि सभी दोस्तों के तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी मौसम की ताज़ा जानकारी जान सके, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर फटाफट हमसे जुड़ जाएं, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि मैं अन्य कोई भी नई वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले पहुंच जाएगा आपके पास। तो वीडियो में आज इतना ही भाइयों, जय हिंद जय भारत।